सो दोस्तों नमस्कार और हम लोग फिर से एक बार जुड़े हैं आपस में एक साथ काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप सभी के साथ रूबरू हो रहा हूं क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियोस अपलोड कर पा रहा था और ना ही मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहा था रीज़न कुछ ऐसा भी था कि हम लोग जिस एरिया में थे यानी कि जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर थी जिसकी वजह से जो कनेक्शंस अवेलेबल uh, थे वो बहुत ही uh, कम टाइम के लिए हो रहे थे और यही कारण था कि मैं आपके साथ वीडियोस को शेयर नहीं कर पाया और ना ही आपके कमेंट्स को मैं चेक कर पाया बट नाउ ऑन बट हम लोग फिर से uh, वापस अपने ट्रैक पर आ चुके हैं आज से हम लोग फिर से एक साथ जुड़ेंगे और कंटिन्यूसली वन टू वन टॉक कर सकेंगे शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट की एनालिसिस करेंगे सो so, आज का जो वीडियो है वो फर्स्टली रिलेटेड है कि मार्केट में बाज़ार में आगे क्या होने वाला है और कुछ दो तीन शेयर्स के बारे में भी मालूम करेंगे कि, कि क्या उनमें हमें पोजीशंस को रखना चाहिए होल्ड करना चाहिए या फिर हमें निकल जाना चाहिए आ, दोस्तों देखिए हम सभी जानते हैं स्टेट इलेक्शंस इस वक्त चल रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान मिजोरम आ, तो अभी क्या नंबर्स में क्या आउटपुट आने वाला है किस पार्टी की विक्ट्री होने वाली है कौन सी पार्ट एलक्ष, पार्टी पार्टी इलेक्शन को लूज़ करने वाली है ये सभी हमें दिसंबर 10 तक पता चल जाएगा टेंथ ऑफ दिसंबर तक सब कुछ हमें क्लैरिटी हो जाएगी और शायद मुझे लगता है कि मार्केट भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है अभी जो ट्रेडर्स हैं जो यू नो ऑपरेटर्स हैं वो सभी या जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं किस तरह के सर्विस क्रिएट होते हैं और किस तरह के जो नंबर्स हैं वो आते हैं अगर इलेक्शंस चूंकि रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही जगह पे तो अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शंस को हार जाती है इलेक्शंस में देन इन दैट केस मुझे लगता है कि मार्केट में एक बड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट अगेन टेन थाउजेंड के लेवल तक टच कर सकता है बट अगर इन इनकेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर दोबारा से आ जाती है रूलिंग पार्टी तो मुझे लगता है मार्केट एक यहाँ से एक अच्छी बुलिशनेस इंडिकेशन देगा आपको एक अच्छी तेजी दिखाएगा क्योंकि ये ये जो तीन बड़े स्टेट्स हैं ये तीनों स्टेट्स की विक्ट्री 2019 के इलेक्शंस का एक तरीके के आप समझ लीजिए कि आईना होगा वो बता देगा कि 2019 का इलेक्शन किस करबट बैठने वाला है क्या महागठबंधन जीतने वाला है या रूलिंग पार्टी है वही दोबारा से सरकार बनाएगी तो ये स्टेट इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि मार्केट में इस वक्त अप्स एंड डाउंस यानी कि एग्जैक्ट काइंड ऑफ मोशन चल रहा है किसी दिन मार्केट बहुत अच्छा चलता है और उसके बाद मार्केट में गिरावट रहती है तो टेन थाउजेंड से टेन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एक इसका दायरा रहेगा जब तक कि इलेक्शन के नंबर्स नहीं आ जाते तो चलिए आइए चार्ट्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं एक बार आ, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जो कि आ, हमने खोल रखा है वीकली चार्ट है और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही थी वो टेन की आ रही थी एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर को जो मार्केट में जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग अपने लोगों के पास रही थी यानी कि टेन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी सिक्स और आप देखेंगे कंजिक्यूटिव थ्री रेड कैंडल्स क्रिएट हुई अब यहाँ पर दो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं या तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है बुलिश एंड का जो कि इन तीनों ही ग्रीन कैंडल को कवर कर दे और मार्केट और जो निफ्टी है उसको अप्रॉक्सीमेटली टेन थाउजेंड था। एट फिफ्टी के आसपास ले जाए बट फिलहाल अभी मार्केट ओपन होने में थोड़ा सा समय है मार्केट ने अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेटमेंट दे दिया फोर्टी एट पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेंथ के साथ ओपन नहीं हो रहा है हाँ शॉर्ट टर्म कुछ हो सकता है जब सुबह के टाइम में कितना मूवमेंट रहता है बट मेन डिसाइडेड रहेगा कि आफ्टर सेकेंड हाफ मार्केट में क्या एडमशंस रहने वाले हैं तो आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी में अभी दोनों तरीके के चांसेस हैं लेकिन मुझे लगता है यहाँ से अभी कंसल्टेसन स्टिल रहना चाहिए हालांकि टेन थाउजेंड एट फिफ्टी इसका बड़ा रेजिस्टेंस है एक बार टेन थाउजेंड एट फिफ्टी के ऊपर की क्लोजिंग आती है डेली चार्ट पर भी मार्केट के अंदर तो मार्केट आपको एक अच्छी बड़ी तेजी दिखाएगा ये वीकली चार्ट है जो कि आपको दिखा रहा था कि बियरिश इनगल्फिंग यानी कि प्रीवियस वीक की कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है जो लास्ट वीक जो ख़त्म हुआ है ठीक है उस कैंडल ने और यहाँ पर एक बड़ी वीकनेस ये वीकनेस हमें नज़र आती है यहाँ से मुझे स्टिल डाउन साइड के करेक्शन इस वीक में भी नज़र आते हैं और मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्टेबल रहेगा वो टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एंड देन टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का डेबिल ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं जो कि मार्केट में हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा ये तीन स्टॉक्स हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज टाटा स्टील एंड जी देखिए दोस्तों तो जी में बहुत वीकनेस है और अभी जी में स्टिल मुझे और ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं नज़र आती हैं मुझे लगता है कि 35 का लेवल स्टिल जी एस में आ सकता है अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हालांकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ओवरब्रॉड जोन में ट्रेड कर रहा है काउंटर ठीक है बट आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर मार्केट में एक और सत्तर अस्सी पॉइंट निफ्टी नीचे जाता है तो जी का काउंटर चौंतीस से पैंतीस रुपये का लेवल भी आपको दिखा सकता है ठीक है गिरावट का जो कारण है वो ये है कि जो सितंबर नंबर्स रहे हैं जिंदल स्टेनलेस के वो काफ़ी ख़राब रहे हैं लगभग बावन करोड़ का इक्यावन करोड़ पचास लाख का कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है जबकि सेम क्वार्टर यानी सेम सितंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर लगभग फोर्टी एट करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और सेम इसका रीज़न है ट्रेड वॉर सेकेंडली जो कि हाई क्रूड का रेट है और तीसरी चीज़ जो कि रुपी जो डेप्रिशिएशन हुआ है वो तीनों ही चीज़ें एक दबाव बनाए हुए हैं जो भी काउंटर्स हैं उन पर और जी एस एल भी उसका ही पार्ट है स्टील सेक्टर में तो वैसे भी अभी इस वक्त प्रेशर हमें देखने को मिल ही रहा है और उसी प्रेशर का कारण आप देख सकते हैं कि पुअर नंबर्स डिक्लेयर किए कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में और जिसका इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिला भी थी। ठीक है तो जी एस एल में स्टील मुझे जो चौतीस पैंतीस रुपये का लेवल नज़र आता है कि अगर मार्केट में अगेन पचास से सत्तर पॉइंट की वीकनेस आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो रहेगा जी एस एल में इन एनी वर्स्ट केस अगर दस हज़ार के नीचे मार्केट जाता है निन्यानवे तो पचास तक मार्केट टच करता है तो अगर वर्ष के वर्ष के सिनेरियो आता है तो ट्वेंटी नाइन फिफ्टी विल बी द एग्जिट स्टॉप लॉस इन द जी एस एल तो ट्वेंटी नाइन फिफ्टी जो होगा वो फिलहाल एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा जी एस एल के अंदर ठीक है जिन लोगों ने हायर लेवल पर खरीदा था देखिए आपको याद होगा जब मैंने जीएसएल का वीडियो अपलोड किया था तब तो मैंने नाइन्टी सेवन रुपीज का एग्जिट स्टॉप लॉस बताया था आप सभी को आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ पर मैंने बाइंग पोजिशन बताई थी और नाइन्टी सेवन रुपीज़ पर मैंने एग्जिट स्टॉप लॉस बताया था क्योंकि उसके बाद एक वीकनेस मुझे नज़र आ रही थी खैर वो पुरानी बात हो गई फिलहाल अब जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो लोग वेट कर सकते हैं अगर अच्छा मूव आएगा बट मुझे फिलहाल लगता है कि अब ये दो तीन क्वार्टर ये लेगा जब तक कि नेक्स्ट क्वार्टर या जो मार्च फाइनेंशियल के नंबर्स आते वो कुछ अच्छे नंबर से पोस्ट नहीं करता इसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते टाटा स्टील टाटा स्टील इज़ वेरी गुड काउंटर ये बहुत अच्छा काउंटर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हुआ है आप इसमें खरीदारी करते रहिए हर गिरावट पर हालांकि 543 का जो सपोर्ट लेवल था वो टाटा स्टील ने तोड़ दिया है मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्टेबल टाटा लेवल में टाटा मोटर्स टाटा स्टील में रहेगा बड़ा जो सपोर्ट है वो फाइव हंड्रेड का लेवल है अगर फाइव तक टाटा स्टील आता है दैन डेफिनेटली आप एड ऑन कर सकते हैं और हर गिरावट पर आप इस काउंटर को ऐड करते रहिए मार्केट में तेज़ी का इंतजार कीजिए अगले 12 से 18 महीने में ये काउंटर आपको 700 750 का लेवल दिखाने की पूरी क्षमता रखता है यानी कि अगर अट्ठारह महीने अगर आप रखते हैं तो आपको सेवन फिफ्टी तक का लेवल टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ से लगभग टू पॉइंट का आँख की तेजी दिखा सकता है सो ये टाटा स्टील के बारे में ओवरऑल फाइव इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट इन द टाटा स्टील इसके अलावा प्रकाश इंडस्ट्री प्रकाश इंडस्ट्री अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले मिलता है हंड्रेड रुपीज़ का वो उसने तोड़ दिया है डेली चार्ट पर और ये एक किसकी वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है यानी कि देखिए जहाँ तक हम हाँ लोगों ने सपोर्ट मेंटेन किया था लगभग हंड्रेड रुपीज़ एटी नाइन पैसे का किया था एंड अगर मैं हंड्रेड रुपीज़ को भी मानता हूँ तो हंड्रेड रुपीज़ का लेवल इसने ब्रेक करके नाइन्टी नाइन रुपीज़ फिफ्टीन पैसे का के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है अभी यहाँ से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो आ, बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है आप छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं और मुझे लगता है कि नाइन्टी रुपीज़ तक अब आपको प्रकाश इंडस्ट्री देखने को मिल सकता है मार्केट के अकॉर्डिंगली क्योंकि मार्केट जैसा बिहेव करेगा अगर मार्केट ने यहाँ पर एक सडन जर्क ऊपर की तरफ दिया तो हो सकता है ये रिकवरी शो करे बट अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं रही वीकनेस रही तो ये काउंटर आपको नाइनटीन के लेवल भी आने वाले समय में दिखाएगा जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट लेबल जो प्रकाश इंडस्ट्री का रहेगा वो नाइन्टी रुपीज़ का रहेगा हालाँकि अगर हम फंडामेंटल ग्राउंड पर बात करते हैं तो प्रकाश इंडस्ट्री में किसी भी तरह का फंडामेंटल वीकनेस नहीं है ये केवल मार्केट सिनेरियो है जो कि मार्केट में एक दबाव है प्रेशर है जिसकी वजह से प्रकाश इंडस्ट्री भी गिर रहा है खैर तो ये तीन काउंटर्स हैं इनमें आपको जो भी क्वेरीज हैं जो भी क्वेश्चन हैं सपोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि हंड्रेड रुपीज़ का सपोर्ट टूट चुका है जो नेक्स्ट सपोर्ट है प्रकाश इंडस्ट्री का वो तकरीबन नाइन्टी रुपीज़ का रहने वाला है टाटा स्टील के अंदर जो नेक्स्ट अफोर्डेबल है इंपॉर्टेंट वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है यानी फाइव हंड्रेड या फोर नाइन्टी तक भी विन आपको मिलता है देन आप टाटा स्टील के अंदर कंटिन्यूसली ऑन कर सकते हैं जी एस एल यानी जिंदल स्टेनलेस में आपको जो प्राइस टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट में गिरावट रहती है आज सेकेंड हाफ में तो आपको जिंदल स्टेनलेस तकरीबन थर्टी फाइव तक लेके जा सकता है और बस के सिनेरियो में जो जिंदल स्टेनलेस का जो टारगेट रहेगा वो ट्वेंटी नाइन फिफ्टी से थर्टी रुपीज़ का होने वाला है दोस्तों सो ये रिव्यू था इन तीन स्टॉक के बारे में अगले वीडियो में हम कुछ और स्टॉक्स को उठाएंगे उनके रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे कुछ अच्छे काउंटर्स भी मैंने फाइंड आउट किए हैं उनके बारे में भी आप सभी को बताऊँगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहिए सुझाव भी देते रहिए और चलते चलते बस आप सभी से ये माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से एक साथ नहीं थे और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे खैर अब हम लोग कंटिन्यूसली आपके एक साथ साथ रहेंगे आपकी क्वेरीज़ के आंसर करेंगे जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उनको सॉर्ट आउट करते रहेंगे सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच